नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हम सब के अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे आप सब? तो आप में से काफी लोगों के कमेंट्स आए थे कि भाई अपना रूम दिखाओ सर, अपना रूम दिखाइए या अपना फ्लैट दिखाइए या उसका रेंट कितना है एंड क्या उसकी लोकेशन है और कैसा है आपका रूम। बेसिकली मैक्सिमम आपको फ्लैट सेम ही लगेंगे, उनका थोड़ा बहुत बिल्डअप स्ट्रक्चर अलग होता है। लोकेशन मेन डिपेंड करती है आपकी कैसी लोकेशन है और उसके अकॉर्डिंग आपका रेंट भी रहता है। देन आपका कौन सी लाइन पे ले रहे हो आप अपना, यहाँ पे जैसे मुंबई में तीन लाइन होती है रेलवे लाइंस, बेसिकली सेंट्रल, वेस्टर्न एंड हार्बर लाइन। तो तीनों के मेनली एंडिंग पे आप जाओगे तो आपको सस्ते रूम भी मिल जाएंगे और सही रूम भी मिल जाएंगे। अगर आप मेन मुंबई में लेते हो या साउथ बॉम्बे में लेते हो तो काफी कॉस्टली रहेगा, या फिर अगर आप नवी मुंबई में लोगे या विरार साइड वेस्टर्न लाइन के एंड पे लोगे या कल्याण बदलापुर साइड सेंट्रल लाइन के एंड पे लोगे या पनवेल साइड उल्वे साइड लोगे तो यहाँ पे आपको सस्ते रूम मिल जाएंगे। रूम अच्छे भी हैं यहाँ पे, स्पेशियस भी हैं। तो मैं यहाँ उल्वे में रहता हूँ सेक्टर 19 में। एंड चलिए अभी इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं एंड देखते हैं कैसा है हमारा रूम। एंड हमें तो अच्छा ही लगता है, आप बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। तो ये हम लिफ्ट से आ सकते हैं या फिर सीढ़ियों से आ सकते हैं। एंड इधर हमारा रूम नंबर 401 और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सामने हमारा हॉल। हमारे पास अभी फर्नीचर नहीं है तो हमने नीचे गद्दे रखे हुए हैं एंड सामान है, कुछ कैमरा स्टैंड है, देन इधर भी हमारा सामान रखा है क्योंकि अभी एक ही सैलरी आई है तो इतना इजी नहीं हो पाता कि एकदम से आप सामान जुटा पाओ। एंड जरूरी नहीं आप इतने लकी हो कि आपको सेमी फर्निश्ड या फर्निश्ड फ्लैट मिल जाए। ये हमारे फर्स्ट बालकनी है। फुल्ली कवर्ड है, लाइक सेफ है ये, यहाँ पे ये जाली लगी हुई है। एंड ये मैं पेंट करके मिला था फ्लैट नया। ईस्ट फेसिंग फ्लैट है, सामने से सूरज उगता है, सुबह अच्छी सनलाइट आती है। ये भी नहीं कि सनलाइट नहीं आ पाती हो। एंड अभी डेवलपिंग एरिया, ये कंस्ट्रक्शन चलती रहती है तो थोड़ा धूल वगैरह का इश्यू रहता है। यहाँ पे विंडोज से आती है, मतलब डोर है जो, ये इनसे धूल आती रहती है। स्विचेस हमें काफ़ी मिले हैं, जैसे बेड के पास मिले, ये लक्की होता है कि आपको बेड के पास ही चार्जिंग पॉइंट मिल जाए। और ये इधर एक बोर्ड है, इसमें ही आपका फैन बोर्ड है। तो हमें फैन मिला था और ये ट्यूबलाइट मिली है। इधर मैंने अपने बाबा नीम करौली महाराज जी की फोटो लगाई हुई है। तो चलिए अपने दूसरे रूम में या मेन बेडरूम में कह सकते हैं हम चलते हैं। यहाँ पे मेरा फ्रेंड्स होता है जो रूम पार्टनर है। एंड इसमें भी सेम आपको एक पंखा मिला है, एक ट्यूबलाइट है। इधर हम हमारी सेकंड बालकनी है, यहाँ पे हम अपने कपड़े सुखा सकते हैं या अगर चाहे तो बैठ सकते हैं, जैसे मौसम अच्छा है या शाम को या सुबह को आप बैठ सकते हो इजीली। इधर मच्छर काफ़ी रहते हैं, मतलब मच्छर आते ही रहते हैं, हम ऑल आउट भी यूज़ करते हैं बट इतना खास काम नहीं करती है। इसके लिए हमें मॉस्किटो कॉइल्स भी यूज़ करनी पड़ती हैं जिससे कि थोड़े मच्छर कंट्रोल में रहें एंड कोई बीमारी ना फैला पाएं एंड ऑब्वियसली काटे ना। चलिए अभी किचन एंड टॉयलेट एंड बाथरूम देखते हैं। तो ये बाथरूम, बाथरूम एंड टॉयलेट सेपरेट है, अंदर ही वॉश बेसिन है, शावर भी है, अंदर एक स्विच भी है अगर आप शेविंग कर रहे हो, शेवर यूज कर रहे हो या कोई और चीज यूज कर रहे हो बाथरूम में, लाइक वाटर हीटिंग रॉड एंड समथिंग अदर, जो भी मेनली बाथरूम में यूज होते हैं वो सभी। एंड ये हमारा टॉयलेट है, टॉयलेट हमारा इंडियन स्टाइल है। एंड अभी किचन देखते हैं। ये हमारा किचन है, लाइक हमें रूम में कुछ नहीं मिला था फ्लैट में, सब हमने खुद से अरेंज किया है और अभी कुछ ठीक से अरेंज भी नहीं हुआ है, सारा सामान ऐसा ही है। हम इंडक्शन पे खाना बनाते हैं अभी। एंड जिनको लगता है कि इंडक्शन में ज़्यादा खर्चा आता है तो ऐसा नहीं है, इंडक्शन में ज़्यादा खर्चा बिल्कुल नहीं आता है, कम ही खर्चा आता है। लाइक जितना आप यूज़ करोगे ओबियसली उतना आएगा, बट जिसको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा यूनिट्स लेता है, नहीं इतना नहीं लेता। अभी जैसे मैंने लास्ट मंथ यूज़ किया, काफ़ी 15-20 दिन यूज़ हुआ था तो मेरा जो बिल आया हमारा वो 470 आया है एंड कम नहीं है वो, ऑन एवरेज 200 तो आता ही है, 200-300, तो 470 कुछ ज़्यादा भी नहीं है। एंड ये इसके बर्तन हैं,
जो इंडक्शन पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये है, और इधर भी हमारी एक छोटी सी बालकनी है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी लाइक वॉशिंग मशीन रखने के लिए। यहाँ पे आप इजीली वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख के उसका वायर यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप स्विच बोर्ड में लगा सकते हो वायर, और इधर से आप पानी चला सकते हो उसमें, जिससे कि आपकी वॉशिंग मशीन में पानी पहुँच जाए और इधर से बिजली पहुँच जाए और अपने कपड़े धो सकते हो। अभी तक हमने कुछ अरेंज नहीं किया है, बट इन द केस आप अरेंज करते हो तो आप यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हो। दैट्स इट, ये हमारा किचन हो गया, इधर हमारे टॉयलेट एंड बाथरूम हो गया, ये बेडरूम हो गया हमारा, एंड ये हमारा हॉल हो गया। हाँ, एंड हमने इस डब्बे को एज अ शू रैक यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये आया था हमारा जो कैमरा स्टैंड है वो इस डब्बे में, एंड कैमरा स्टैंड की भी सेपरेट वीडियो आएगी आपके लिए दूसरे चैनल पे। तो आई होप आपको ये सब अच्छा लगा हो, आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी है तो ज़रूर बताएं, कमेंट करें कि आपको ये फ्लैट कैसा लगा। फ्लैट का रेंट है 8,000 एंड डिपॉजिट है इसका 20,000, एंड हम इसे इस मंथ के एंड में खाली भी करने वाले हैं, बिकॉज मैं चेंज कर रहा हूँ एंड फैमिली को लाऊंगा तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, एंड फिर फ्रेंड को भी मे बी आगे अपनी फैमिली लानी पड़े तो इतना इजीली नहीं हो पाएगा। तो वन मंथ हमने नोटिस दिया था ऑलरेडी, तो इसलिए अब हम इसे खाली कर रहे हैं। अभी नवंबर के एंड में हो जाएगा खाली, दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में हम दूसरे रूम में शिफ्ट कर जाएंगे या अपने अपने जो फ्लैट देखेंगे वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो जैसे ही मैं अपने नए रूम में जाता हूँ, नए फ्लैट में जाता हूँ, तो वहाँ का वीडियो भी मैं आपके लिए जल्दी लाऊंगा, एंड कोशिश करूँगा कि उसे और अच्छा बना पाऊँ, बिकॉज मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है इन होम टूर वीडियोज़ में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।